हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो लेकर आए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। देखिए मेरे पैरों में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है और मेरे पीठ में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। दोस्तों, वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इतनी मेहनत करने के बावजूद जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो फिर हिम्मत टूटने लगती है। लगातार खड़े रह के वीडियोस बनाना और फिर बाकी की लाइफ को भी एडजस्ट करना, इन सब के बीच में मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। किसी डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी मसल्स में प्रॉब्लम है, किसी ने बताया कि नसों में प्रॉब्लम है और किसी डॉक्टर ने बताया कि हमें आर्थराइटिस हो गया है, लेकिन हमें इन सब में से कुछ भी नहीं था। फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि हमें हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी कराना चाहिए और वाकई हिजामा कराने से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिला, मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। तो आइए आपको बताते हैं कि कपिंग थेरेपी क्या होती है, किस तरीके से की जाती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। आइए आपको ले चलते हैं हिजामा सेंटर और बताते हैं कि हमने कपिंग थेरेपी किस तरीके से कराई। कपिंग थेरेपी कराने से मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा आराम है, बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और देखिए पैरों को बहुत आसानी से हम मोड़ भी ले रहे हैं और जो मेरे पैरों में स्वेलिंग थी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो आइए आपको ले चलते हैं हिजामा सेंटर और दिखाते हैं कपिंग थेरेपी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिजामा कराना सुन्नत रसूलुल्लाह है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजामा सेंटर पे हिजामा कराने के लिए आए, किसी दूसरे पेशेंट का हिजामा हो रहा था तो उसका हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले स्किन को साफ़ करके वहाँ पे कप लगाए जाते हैं और उसके बाद इस टूल या इक्विपमेंट से ये कप लगाए जाते हैं और इन्हें वैक्यूम किया जाता है। फिर बाद में जब वो एरिया सुन पड़ जाता है तो वहाँ पे ये इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं और दोबारा से फिर से इन कप्स को लगा दिया जाता है। तो जो भी गंदा ब्लड होता है वो सारा ब्लड इन कप्स में निकल के इकट्ठा हो जाता है और जब ये कप्स में सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, तो फिर बाद में इस ब्लड को हटा दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये देखिए किस तरीके से ब्लड निकल रहा है और इकट्ठा हो रहा है कप्स के अंदर। इस सारे प्रोसेस में बेहोश नहीं किया जाता, सुन नहीं किया जाता और हिजामा कराने में ज़्यादा दर्द भी नहीं महसूस होता। बस इतना ही दर्द महसूस होता है कि जैसे लगता है कि किसी चींटी ने इकट्ठा एक जगह पे काट लिया है। इससे ज़्यादा दर्द बिल्कुल भी नहीं होता हिजामा कराने में। एक बार जो ये कप लगाए जाते हैं तो इन्हें दोबारा फिर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इन्हें फेंक दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो देखिए कप में किस तरीके से ब्लड इकट्ठा हो गया, जम गया है। अब इस सारे ब्लड को हटा दिया जाएगा और स्किन को साफ़ कर दिया जाएगा। ये सारा वो गंदा ब्लड है जो हमारी स्किन में इकट्ठा होता है, बॉडी में तकलीफ़ पैदा करता है। और फिर वहाँ की स्किन को पूरा साफ़ कर दिया गया, पूरे जो भी ब्लड लगा था सब हटा दिया और मेडिसिन लगा दी। और ये इस तरीके से हिजामा का पूरा जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। पीठ में हमारे 8 कप लगाए गए थे, एक पैर में 6 कप लगे थे और दूसरे पैर में भी 6 कप लगाए गए थे। हिजामा कराने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और बॉडी को बहुत ही रिलीफ मिला। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हिजामा ज़रूर कराइएगा। हिजामा यानी कपिंग थेरेपी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप कोई भी डिसीज़न खुद से मत लीजिएगा, किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाइएगा, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा या फिर आप जब भी हिजामा कराना चाहते हो तो किसी अच्छे और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से ही कराइएगा। हिजामा कराने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का माइग्रेन है, बैक पेन है, लोअर पेन है, अपर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है या फिर घुटनों में दर्द है तो आप हिजामा ज़रूर कराइए, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने हिजामा कराया और हमें तो इस दर्द से बहुत ज़्यादा निजात मिली है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का ये कपिंग थेरेपी का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कपिंग थेरेपी की इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ये वीडियो देखकर वो लोग भी कपिंग थेरेपी कराएं और उनको भी आराम मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।